नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो सिग्नी का इन्वर्टरलेस सोलर कंट्रोलर है, इसके ऊपर जो सामने जो एलईडीज है ये साइड में राइट साइड में उनका, वो हमें क्या बताते हैं हर एक एलईडी के बारे में देख लेंगे, जान लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे सबसे पहले ऊपर जो एलईडी है ये जो लिखा हुआ है सोलर, तो वो जो एलईडी है ये अगर ज़ोर से ऑन ऑफ चालू बंद हो रही है तो वो हमें निर्देशित करती है कि सोलर से चार्जिंग हो रही है, यानी दिन में ये चलेगी, ये एलईडी चलेगी। मैं अगर सोलर बंद कर दूं तो ये रुक जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये रुक गई चालू हो बंद होना, अगर मैं फिर से ऑन कर दूं तो ये ऑन हो जाती है। अभी उसके बाद ये जो बीच की ये जो एलईडी है जो वाइट कलर के स्क्वायर के अंदर है, ये एलईडी हमें निर्देशित करती है कि हमारा अंदर का जो कंट्रोलर है वो ठीक है। जब तक ये ज़्यादा ज़ोर से ऑन ऑफ हो रही है तो ये बताती है कि हमारा कंट्रोलर ठीक है। उसके नीचे की सबसे नीचे जो एलईडी है वो बैटरी की एलईडी है। अगर बैटरी किसी भी सोर्स से, सोलर से या फिर ग्रिड से अगर चार्ज हो रही है तो ये ज़ोर से चालू बंद हो रही है। यही अगर मैं बंद कर दूं अगर, और जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगे तो यही बैटरी की एलईडी धीरे धीरे गति से ऑन ऑफ हो जाती है। तो अभी देख रहे होगे आप कि ये धीरे धीरे गति से चालू बंद हो रही है। यही चीज़ अभी हम देखते हैं कि ये चौथी एलईडी जो ग्रिड लिखा गया है उसके बारे में। तो अभी ये बंद है क्योंकि मैंने ग्रिड की पिन पीछे से निकाल के रखी। अगर मैं इसको डाल दूँ तो ग्रिड ऑन हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में ये ऑन ऑफ होना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही ये ऑन ऑफ होना स्टार्ट करता है तो आप इसका मतलब हो जाता है कि आपकी बैटरी चार्जिंग हो रही है। तो आप देख सकते हो ये ऑन डालने के बाद बैटरी भी चार्ज होना शुरू कर दी। अभी अगली वाली, इसके ऊपर जो एलईडी है ग्रिड बीओ लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे जो ग्रिड के ऊपर जो लिखी है वो एलईडी दिखाती है कि आपका जो इसके अंदर का जो डेटा है वो सर्वर को भेजने लगे। अगर ये ऑन है तो मतलब अभी डेटा रेडी नहीं है, तो हर घंटे में जब डेटा तैयार हो जाता है ये ऑन ऑफ हो जाती है। उसके बाद अगर आपका लोड दिया गया है सिस्टम को और आप लोड का स्विच ऑन करोगे ऊपर का नॉर्मल का, तो यहाँ पे जो लास्ट की जो एलईडी है वो ऑन हो जाती है। तो ये निर्देशित करती है कि आपका लोड सप्लाई है लोड तक पहुँच गया है। तो ये सब हो गया एलईडीज़ के बारे में। तो धन्यवाद।